गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोरोजन लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कोरोजन के डिटेल्स में, इंट्रोडक्शन, टाइप एंड मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। ये कोरोजन मेटल को डिस्ट्रक्ट करता है, हम लोगों को पता है। कोरोजन इज वेरी स्लो प्रोसेस बट इट्स रिजल्ट इज ट्रीमेंडस। ये धीरे धीरे रिएक्शन होता है लेकिन इसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि मेटल किसी काम के लायक बच नहीं पाता है। तो इस कोरोजन से मेटल को हम लोगों को बचाना है, क्योंकि मेटल इस तरह से बर्बाद हो जाएगा तो फिर मेटल का यूज जो हम करते हैं इंडस्ट्रियल वर्क में, इंजीनियरिंग वर्क में, वेरियस वर्क में मेटल का यूज हम लोग करते हैं, तो उसमें मेटल हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मेटल को कोरोजन से हम लोग बचाएंगे, कोरोजन से प्रोटेक्ट करेंगे। अब मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने का डिफरेंट प्रोसेस है। मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने का, कोरोजन से बचाने का डिफरेंट प्रोसेस है और इसको हम लोग देखेंगे। आप लिखा हुआ है, आप देखेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। इतना मेथड है जिसके द्वारा हम मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब इस एनवायरनमेंट में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। एनवायरनमेंट में हम लोग कुछ ऐसा बदलाव करेंगे, कुछ ऐसा चेंजिंग करेंगे जिससे मेटल का कोरोजन नहीं हो। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा है कि एनवायरनमेंटल एक्शन से ही कोरोजन होता है। एनवायरनमेंट में जितने सारे गैसेज हैं, ये गैसेज ही मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड का लेयर बनाते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में ही हम लोग कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें ताकि ये कोरोजन जो मेटल पर होता है वो नहीं हो सके। तो इन मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है कोरोजन स्टिमुलेंट्स एंड सेकेंड है कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन स्टिमुलेंट्स, कोरोजन स्टिमुलेंट्स एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिनके कारण कोरोजन का रेट इंक्रीज करता है, कोरोजन बढ़ता है। तो ऐसे पदार्थ जो कोरोजन को इंक्रीज करते हैं, कोरोजन के रेट को बढ़ाते हैं, दोज आर स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल सच एज सोडियम सल्फाइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड एक्सेट्रा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ को हम लोग इनकी मात्रा को घटाएंगे, इनको रिमूव कर सकते हैं एनवायरनमेंट से हम लोग इसे हटा सकते हैं। तो हम लोग एस्टिमुलेंट को रिमूव कर या एस्टिमुलेंट की मात्रा को घटाकर इसके अमाउंट को डिक्रीज करके हम लोग मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एस्टिमुलेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। सेकेंड वन इज कोरोजन इनहिबिटर्स। कोरोजन इनहिबिटर्स एनवायरमेंट में जिस तरह से एस्टिमुलेंट्स प्रेजेंट है, उसी तरह ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कोरोजन को क्या करते हैं, रोकते हैं।
कोरोजन के रेट को घटाते हैं, कोरोजन को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस इनहिबिटर्स हैं, तो एनवायरमेंट में इनहिबिटर्स के अमाउंट को बढ़ाकर हम लोग मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स आर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज क्विनोलिन, एमिन्स, साइनाइड एक्सेट्रा। सेकेंड वन हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड प्रोसेस, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दैट मीन्स यू नो दैट देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और आपने यह भी पढ़ा है कि मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो एलॉय की तुलना में कम है। मेटल में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो एलॉय से हम उनका कंपैरिजन करें तो उसमें कम है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मेटल्स दैट मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इस मेटल के प्रॉपर्टीज में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, मेटल के प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज करेंगे, मेटल के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करेंगे। और इस तरह से मेटल के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के बाद हम लोग उसे कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे, मेटल के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव करके। तो मेटल के प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बाय एलॉइंग, बाय रिफाइनिंग एंड बाय एनिलिंग। एलॉइंग क्या है, मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलॉइंग प्रोसेस। आपने पढ़ा भी है कि यदि मेटल में कोरोजन रेसिस्टेंस कम है तो उस मेटल को हम एलॉय में चेंज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्टील, आयरन जिसमें कोरोजन रेसिस्टेंस कम है और जैसे ही हम लोग उसको स्टील में चेंज करते हैं तो डिफरेंट टाइप का स्टील है, क्रोमियम स्टील, निकेल स्टील, टंगस्टन स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो स्टील में कोरोजन रेसिस्टेंस आयरन की तुलना में ज्यादा है। तो आयरन से स्टील बना कैसे, आयरन से स्टील बना एलॉइंग प्रोसेस से, कार्बन मिलाकर, कार्बन, मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम, इन सभी मेटल को मिलाकर मिक्स करके हम लोग एलॉय बनाते हैं। तो एलॉइंग भी प्रोसेस है जिससे हम लोग मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिफाइनिंग के द्वारा भी हम लोग मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज एनिलिंग, हीट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एनिलिंग प्रोसेस में मेटल को सॉफ्ट करते हैं। और जब एनिलिंग के बाद मेटल का एनिलिंग हम कर देते हैं तो एनिल्ड मेटल जो हमको मिलता है उसमें कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो मेटल को हम लोग कोरोजन से प्रोटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन आप याद करेंगे, इसका मैकेनिज्म भी हम लोगों ने पढ़ा था, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के प्रोसेस में एनोड और कैथोड दो डिसिमिलर मेटल्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं और लिक्विड और सॉल्यूशन जो है कंडक्टिंग मीडियम का काम करता है। तो यहाँ पर जो कैथोड है, कैथोड को हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे, तो कोरोजन प्रोडक्ट नहीं बनेगा,
तो मेटल को कोरोजन से हम बचा सकते हैं। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग सेक्रिफिशियल एनोड एंड बाय यूजिंग इमर्ज करंट। ये दो प्रोसेस है जिससे हम लोग कैथोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या है, मेटल को, मेटल के ऊपर, मेटल को हम लोग एक कोटिंग करते हैं, मेटल के ऊपर हम एक कोटिंग करेंगे और ये कोटिंग करने के बाद क्या होगा कि एनवायरमेंटल रिएक्शन से ये बचेगा, एनवायरमेंटल रिएक्शन से ये बचेगा, और एनवायरमेंटल रिएक्शन से बचेगा तब क्या होगा कि इस पर कोरोजन नहीं होगा। इन चारों में जितने भी फोर्थ मेथड दिए हुए हैं, इनमें फोर्थ जो है इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। और कोटिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग। कोटिंग भी दो तरह का है, इनऑर्गेनिक कोटिंग और ऑर्गेनिक कोटिंग, इनऑर्गेनिक कोटिंग एंड ऑर्गेनिक कोटिंग। और इस कोटिंग को ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, मेटल स्प्रेइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सीमेंटेशन, इतने सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल के ऊपर कोटिंग, दूसरे मेटल का कोटिंग करते हैं जिसका कोरोजन रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस अधिक होता है। तो कोरोजन रेसिस्टेंस अधिक होता है तो एनवायरमेंटल एक्शन से वो क्या करता है, अंदर के मेटल को प्रोटेक्ट करता है, अंदर के मेटल को सेफ रखता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग और कोटिंग के विषय में डिटेल में, और कोटिंग से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आता है, स्पेशली गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यही सब। ओके, थैंक यू।